नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेजन में अपने UPI पिन को कैसे चेंज करें। हम अपने UPI पिन को अक्सर अपने दोस्तों से छुपा के रखते हैं ताकि हमारा अमेजन पे का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके, लेकिन कभी हमारे दोस्त या फिर फैमिली मेंबर का कोई व्यक्ति जान जाता है UPI पिन, तो उसे हम चेंज करने की सोचते हैं कैसे उसे हम चेंज करें। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि अपने अमेजन पे का UPI पिन कैसे चेंज करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपने अमेजन पे का UPI पिन चेंज करने के लिए ओपन करते हैं अपने अमेजन शॉपिंग ऐप को। दोस्तों अमेजन पे में अपना UPI पिन चेंज करना बड़ा ही सिंपल काम होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा अमेजन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब अमेजन पे पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपकी UPI ID लिखा होता है, आपका मोबाइल नंबर, @APL लिखा होता है, तो अपने UPI पिन को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अपने UPI ID के पास। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्कैन UPI QR, सेंड मनी, पेंडिंग UPI ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको आ जाना है सबसे नीचे की तरफ। सबसे नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पे आपकी लास्ट का अकाउंट का 4 डिजिट दिखता है और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर बैंक अकाउंट ऑप्शन, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे मोर बैंक अकाउंट ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चेक अकाउंट बैलेंस, चेंज UPI पिन और फॉरगेट UPI पिन। अगर आप अपना UPI पिन नहीं जानते हैं और उसे आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे फॉरगेट UPI पिन पे, लेकिन हमें अपना UPI पिन पता है और हमें अपने UPI पिन को चेंज करना है, तो इसलिए चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज UPI पिन पे। अब यहाँ पे आपको अपना पुराना वाला UPI पिन डालना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे नया वाला UPI पिन डालना होता है, तो यहाँ पे आप वो पिन डालिएगा जो आप पहले यूज कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे आपको नया वाला UPI पिन डालना होता है जो अभी आप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं दोनों डिटेल को इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना पुराना वाला UPI पिन डाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे नया वाला UPI पिन डाला हूँ। इतना कर लेने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे स्टिक मार्क पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अब आपको फिर से अपना नया वाला UPI पिन डालना होता है, तो यहाँ पे मैं फिर से अपना नया वाला UPI पिन डाल रहा हूँ। नया वाला UPI पिन डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस टिक मार्क पे। अब दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देने से आपका UPI पिन चेंज हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे UPI पिन चेंज हो चुका है और अपना नया वाला पिन को आप याद रख लीजिएगा, जब भी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े ट्रांजेक्शन करते वक्त वो आपका नया वाला पिन इंटर करना होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो कि अमेजन में अपने UPI पिन को कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।